हेलो बच्चों, आप सभी को टैलेंट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। बच्चों, ड्यू सोल का असाइनमेंट 2021 बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर सीबीसीएस इंग्लिश फ्लुएंसी एमआईएल कोड नंबर ये है। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दिया गया है यहाँ पे। यू रिसेंटली विजिटेड अ शॉपिंग मॉल आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। राइट अ डायरी एंट्री इन अबाउट 400 वर्ड्स डिस्क्राइबिंग वट यू सॉ अराउंड यू। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है। राइट अ रिव्यू इन अराउंड 400 वर्ड्स ऑफ अ फिल्म डैट यू हैव सीन रिसेंटली और अ बुक डैट यू हैव रीड। ठीक है, मूवी आप देखे हैं और लिखना है, नहीं अगर मूवी देखे हैं रिसेंटली तो आप कोई भी बुक से आप लोग एक बुक का जो आता है कहानी वो वहाँ से आप लोग बुक से भी लिख सकते हैं। ओके बच्चों, तो चलिए सबसे पहले इसका क्वेश्चन पेपर मैं दिखाता हूँ, उसके बाद से आप आंसर देखते हैं। तो बच्चों देखिए, ये रहा क्वेश्चन पेपर बीए प्रोग्राम सेमेस्टर सेकंड सीबीसीएस इंग्लिश फ्लुएंसी मिल एमआईएल, और यहाँ पे दे रखा है राइट योर नेम एंड रोल नंबर। वो तो आप जानते हैं, इम्पोर्टेंट यहाँ पे नोट्स दिख रहा है कि अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चंस इन अबाउट 500 वर्ड्स ईच, क्वेश्चंस कैरीज 50 मार्क्स। ओके बच्चों, तो यहाँ से दो क्वेश्चन हम लोगों ने दो क्वेश्चन का आंसर दिया है, पहले क्वेश्चन का दिया है और थर्ड क्वेश्चन का दिया है। ओके बच्चों, तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो बच्चों ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1st एंड क्वेश्चन नंबर 3। तो पहला जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का है डायरी एंट्री। यहाँ पे देखिए डे आप लोग डाल सकते हैं, कोई भी दिन अपना डाल सकते हैं, डेट कोई भी डेट डाल सकते हैं, टाइम कोई भी टाइम डाल सकते हैं। ओके, ये अपने से डालना है आप लोगों को, फिर ये सब सारा कुछ लिखना है। तो आप लोग अगर देख लीजिए, सबसे पहले क्या आएगा, पहले का आंसर में आएगा डे डेट और टाइम, ये अपने से डाल देना है। ठीक है, कुछ भी डाल दीजिए अपना। उसके बाद से आ जाइए यहाँ पे, सीधा लिखना है डियर डायरी, उसके बाद ये पूरा लिखना है, लिखिए आप लोग। और जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो सब्सक्राइब कर ले, आप इन लोगों को फायदा होगा आगे के हेल्प के लिए। और जिनको मन नहीं कर रहा सब्सक्राइब करने का वो नहीं करेंगे, जिनको लगता है कि हाँ इस चैनल से हेल्प मिलेगा वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर देंगे। और बहुत आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग अपने ग्रुप्स में अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आप लोग को मैं इतना हेल्प कर रहा हूँ, आप लोग भी कुछ मेरा हेल्प कर दीजिए कि वीडियो को सिर्फ शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। और जिन बच्चों का अपना कोई क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो क्वेश्चन पेपर हमें आप भेज सकते हैं, जो कि नीचे यहाँ पे मेल दे रखा होगा जीमेल का, उस पर आप लोग मेल कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर। ओके, यहाँ पर देखिए डायरी एंट्री में जो नीचे नेम लिखा है, इन नेम की जगह पे अपना नाम लिखिएगा, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे नेम ही छोड़ देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। नेम की जगह पे अपना नाम डालना है, ठीक है ना बच्चों। डायरी एंट्री आप लोग किए होंगे स्कूल में, तो चलिए यहाँ पे अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब यहाँ पे राइट अ रिव्यू इन अराउंड 400 वर्ड्स फिल्म दैट यू हैव सीन रिसेंटली या और बुक दैट यू हैव रीड। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक मूवी का लिया है, आप लोग लिख सकते हैं।
ओके बच्चों, तो यहीं पे समाप्त हो गया आप लोग का, दोनों क्वेश्चन हो गया, अब आप लोग लिख लीजिए। ओके बच्चों, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच बच्चों।